नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आई एग्जाम सॉल्यूशंस में आज हम पीजीसीएल क्वेश्चन पेपर का पार्ट सेवन कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर है मुख्य लाभ क्या होता है ए सिंप्लिस बी लोअर इनिशियल टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी सी हायर वोल्टेज एंड डी इम्प्रूव पावर ट्रांसमिशन एफिशियंसी पॉलिफेस पावर सिस्टम के एडवांटेज क्या क्या होते हैं जिसे हम थ्री फेस पावर सिस्टम भी बोलते हैं थ्री फेस पावर सिस्टम इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो उसका हमें आउटपुट मिलता है वो ज्यादा मिलता है, का as to कर सकते है as कर सकते, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, और ये फिर भी नहीं रहता है तो इसलिए हम ज्यादातर थ्री फेस सिस्टम का यूज करते हैं दूसरा थ्री फेज सिस्टम की एफिशेंसी ज्यादा होती है और इकोनॉमिकल भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज क्योंकि थ्री फेज सिस्टम में कम कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हम बेसिकली थ्री फेस सिस्टम को अगर ट्रांसमिट कर रहे तो

कम्युनिकेशन वायरिंग संचार वायरिंग में मुड़ी जोड़ का प्राथमिक कार्य क्या है ताकि हम सिग्नल इंटरफेर सिग्नल इंटरफेरेंस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर के थ्रू तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और अगर सिंपल वायर होगा यानी कि ट्विस्टेड वायर नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस काफी बढ़ जाता है नियर बाय वायर में तो ट्विस्टेड पेयर क्या करते हैं है इस तरह से कुछ वायरिंग होती है इसकी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि जो दोनों वायर में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इक्वल बनता है और अपोजिट डायरेक्शन में बनता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाता है टॉक क्या, क्या होता है जब एक वायर का सिग्नल दूसरे वायर में ट्रांसफर हो जाए यानी कि एक वायर का सिग्नल लीक होता है और वो ट्रांसफर होता है दूसरे वायर में उसे बोला जाता है क्रॉसटॉप तो ट्विस्टिंग वायर क्या करते हैं इस को कम करते हैं सो ऑप्शन नंबर सी रिड्यूस सिग्नल इंटरफेरेंस इसका राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थ्री है कौन सा उपकरण केवल डीसी के लिए उपयुक्त होता है ए मूविंग आयरन बी बोथ मूविंग आयरन है इलेक्ट्रोडाइनोमोमीटर सी पी डी इलेक्ट्रोडाइनोमोमीट परमानेंट मैग्नेट मूविंग पॉइल जिसे हम पी भी बोलते हैं ये केवल डीसी के लिए सुटेबल होता है पी में हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं और हम कोर के अराउंड एक वाइंडिंग को रैप करते हैं जो करंट को कैरी करती है और जो कॉइल करंट को कैरी कर रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक टॉर्क को प्रोड्यूस करता है जिससे कि कॉइल में डिफ्लेक्शन होता है और जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा अब ए हम इसमें इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं क्योंकि ए की डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होती है तो जो टॉर्क जनरेट होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा जिससे की आपका नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा और उससे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसी वजह से हम पीएमएमसी को केवल डीसी में यूज करते हैं सो ऑप्शन नंबर सी पीएमएमसी इसका राइट right ऑप्शन होगा अब यहाँ पे एक और चीज है मैंने एक टेबल क्रिएट कराया यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नाम है और ये किसके लिए सुटेबल होते हैं इसको भी देख लेते हैं सचेस मूविंग आयरन एसी और डीसी दोनों के लिए सुटेबल होता है पीएमएमसी केवल डीसी के लिए सुटेबल होता है ई एम एमसी इलेक्ट्रो डाइनोव ये डीसी और एसी दोनों के लिए सुटेबल होता है इंडक्शन टाइप केवल एसी के लिए सुटेबल होता है हॉट वायर एसी और डीसी दोनों के लिए सुटेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट मीटर डीसी के लिए सुटेबल होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर डीसी और

स टू टू करंट फ्लो गतिशील लोहा उपकरण में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में धारा प्रवाह का प्रतिक्रिया में लो फलक किस कारण से गति करता है जब करंट एक क्वॉल के थ्रू फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और जो वेन बना होता है वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है जिससे की वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है ये फोर्स क्रिएट करेगा जिससे की जो वेन है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपल्स होगा तो वेन रिपल्स होगा और जब पोलिटी मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट होगी उस केस में आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्ट करेगा तो ये दो कंडीशन होती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपका अट्रैक्शन टाइप भी हो सकता है और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपका रिपल्सन टाइप भी हो सकता है सो ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक फील्ड इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर है, वट इज अदर नेम आ डेल्टा कनेक्शन इन ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर में डेल्टा कनेक्शन का दूसरा नाम क्या है ए टी कनेक्शन बी मैस कनेक्शन सी जिगजेक कनेक्शन एंड डी क्लोज लूप कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन को हम ट्रांसफॉर्मर में मैस कनेक्शन भी कहते हैं डेल्टा कनेक्शन कुछ ऐसा कनेक्शन होता है एक ट्राइंगल शेप का होता है जिसे हम मैस कनेक्शन या फिर डेल्टा कनेक्शन भी बोलते हैं और डेल्टा कनेक्शन में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है सो ऑप्शन नंबर बी मैस कनेक्शन इसका राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर सेवन है विच इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर एलईडी ऑन कंपेरिजन विद डिसेंट बल्ब इंसर डिसेंट बल्ब की तुलना में एलईडी के लिए सही कथन कौन सा है ए एलईडी आर ऑलवेजी एफ नो फ्लॉम टू इट सी एलईडी लास्ट मच स्मॉलर एंड डी एलई

ट होती है मेंटेनेंस की वो काफी ज्यादा कम हो जाती है सो ऑप्शन नंबर ए ब्रश वेर इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स नाइन है यूजिंग अ मेगर टू टेस्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस रीडिंग इज इंडिकेटिव ऑफ गुड इंसुलेशन इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए मेगर का उपयोग करते समय कौन सी रीडिंग अच्छे इंसुलेशन का संकेत देती है ए लो रजिस्टेंस बी फ्लक्चुएटिंग रजिस्टेंस सी मोडरेट रजिस्टेंस डी इन्फानाइट रेजिस्टेंस मेगर की मदद से हम हाई इंसुलेशन रजिस्टेंस को मेजर करते हैं और जितना ज्यादा इंसुलेशन रजिस्टेंस हाई होगा उतना ही इंसुलेशन को अच्छा माना जाएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहां पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे वो अर्थ रेजिस्टेंस समझ लेते हैं इसे यहाँ पे अर्थ रेजिस्टेंस नहीं इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात चल रही है जो वायर की कवरिंग होती है बेसिकली जो इंसुलेशन होता है उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होना चाहिए रीजन क्या है कि कोई भी जो लीकेज करंट है वो इंसुलेशन से या उस कवरिंग से पास ना कर सके लेकिन अर्थ रजिस्टेंस केस में जो रजिस्टेंस होगा वो कितना होगा वो जीरो होगा इंसुलेशन रजिस्टेंस केस में इंसुलेशन रजिस्टेंस केस में कितना रजिस्टेंस होना चाहिए या इन्फानाइट होना चाहिए इन्फानाइट तो पॉसिबल नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली लेकिन काफी ज्यादा हाई होना चाहिए मेगा ओम्स में そんな違い。 सो ऑप्शन नंबर डी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसका राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है टर्मिनल के बॉक्स और, और, के, के बीच कनेक्शन के लिए लचीली कंडेट की अधिकतम सक्रिय लंबाई क्या होती है ए टू मीटर बी वन मीटर सी वन मीटर एंड डी वन मीटर जो फ्लेक्सीबल होती है टर्मिनल बॉक्स की मोटर की और स्टार्टर स्विच की वो कितनी होती है वो वन मीटर होती है टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल अगर हम इसका इंस्ट्रेशन फ्लोर पे कर रहे हैं तो फ्लोर से इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए अराउंड जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर से लेकर जीरो पॉइंट फाइव मीटर तक अब अभी फ्लोर होना चाहिए बिल्कुल आप फ्लोर के बिल्कुल नीचे नीचे से लेकर नहीं जाते बायर को उसकी थोड़ी जो ऊंचाई होती है हाइट होती है वो थोड़ी अप होती है कितनी जीरो पॉइंट फाइव मीटर से लेकर जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर तक तो यह दो पॉइंट यहाँ पे कव हो गए सो ऑप्शन नंबर भी वन पॉइंट टू फाइव मीटर इसका राइट right ऑप्शन होगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग